श्री शिवाय नमस्तु। आप सबको, संपूर्ण देशवासियों को, विदेश वासियों को, सबको होली की शुभकामनाओं के साथ मेरा निवेदन है। होली का त्यौहार आ रहा है, उस फागुन के त्यौहार में मेरा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ होली खेलता है, मेरा कृष्ण कन्हैया राधा रानी के साथ होली खेलता है। आप भी अपने इष्ट मित्रों के साथ होली खेलिए और दिल से खेलिए, दिल से खेलिए, हृदय से खेलिए, भाव से खेलिए, दिल से त्यौहार मनाइए। क्या है, शिव मंदिर में जाना है, चंदन का जल शिवजी को एक लोटा चढ़ाना। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखो, शंकर भगवान को घी का दिया भी लगाओ तो तुम्हारे घर में जो असली घी हो, थोड़ा सा भले एक बत्ती लगाओ, भले इतनी सी बत्ती जलाओ, पर असली घी की जलाओ। शिव जी को अगर चंदन भी लगा रहे हो तो असली लगाओ, शंकर भगवान को चावल भी चढ़ा रहे हो तो असली चलाओ, शंकर भगवान को अगर अष्टगंध भी चढ़ा रहे हो तो असली चढ़ाओ। केमिकल का कोई चीज मेरे महादेव को मत चढ़ाओ जिससे भगवान शिव की मूर्ति नष्ट हो, ऐसी कोई चीज मेरे महादेव को ना चढ़ाओ। अगर शंकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी शंकर भगवान को चढ़ाइए, अष्टगंध का जल भगवान शिव को चढ़ाइए। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, एक बेलपत्री और उस बेलपत्री में एक चंदन की बिंदी और एक अक्षत का दाना मात्र रखकर भी अगर शिवालय पर चढ़ा दी जाती है, एक बेलपत्री, एक चंदन का बिंदी और चंदन, फिर निवेदन करेंगे आज के जमाने में तुम लोग सब घिसा घिसाया पड़ा पड़ाया डब्बी का सामान ले लेकर, वो नहीं, चंदन की मुठिया रखो, थोड़ा सा भी घिसो, जरा सा भी घिसो, उसकी एक बिंदी और एक चावल का दाना जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, अपनी कामना कर समर्पित करते हैं, तो निश्चितता है कि आपने व्रत करा ना करा, आपने उद्यापन करा ना करा, आपने अनुष्ठान करा ना करा, शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान उसका फल शीघ्र प्रदान कर देते हैं, भले आपने कुछ करा ना करा उसका फल तुम्हें मिल जाए। जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, सर्विस नहीं लग रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, बहुत प्रयास, तो महाराज काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए, बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़ इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना करता है, जिनका जॉब नहीं लग रहा, सर्विस नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल पी, वृक्ष पितरों के तुल्य है, कल की कथा में कहा था, पहला बेलपत्री का, दूसरा पीपल का, तीसरा बट का, ये 3 पितरों के तुल्य है, इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा, भोलेनाथ जी चाहेगा तो 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा, ये बाबा पर विश्वास रख, शंकर भगवान पर भरोसा, विश्वास रखकर आप कार्य करेंगे, क्यों ना हो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख हो, भोला सब दुख। आप उससे निवेदन